हेलो दोस्तों, टाइटल समझ रहे हो तो पढ़ गया होगा। आज मैं बताने वाला हूँ पबजी वाले के मेट्रो वाले की मोड की, जो अपना चैप्टर टू आ चुका है। तो जैसे कि तुम्हारे को पता है, तो इसके अंदर यार पूरा मतलब सीन ही चेंज कर दिया इन पबजी वालों ने। तो आज इसके अंदर मैं बात करूंगा कैसे तुम यार इसके अंदर रिच बन सकते हो। और वैसे यार इसमें रिच बनना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बन सकते हो जैसे मैंने पिछली वीडियोस भी डाली थी। पर मैं इसके अंदर तुम्हारे को थोड़ा डिफरेंट बताऊंगा कि कम से कम लोड आउट के अंदर तुम कैसे रिच बन सकते हो। तो भी तुम ऊपर देख सकते हो मेरे पास में सिर्फ 160,000 समथिंग की लूट है, जो मिनिमम हमारे को एडवांस मोड खेलने के लिए 1.5 लाख की चाहिए होती है। तो इतनी ही मेरे पास में। तो हम दोनों जा रहे हैं, मेरे साथ में यार हमारे प्राण भाई खेल रहे हैं। तो प्राण भाई को इतना गेम खेलना नहीं आता अभी, ठीक है, वो अभी न्यू प्लेयर है। तो हम यहाँ पर रेडिएशन जोन में आ जाते हैं। रेडिएशन जोन में आने के बाद में यहाँ पर हम कुछ लूटेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद में यार हम देखेंगे कि भाई क्या सीन होता है। तो यहाँ पर एक बंदा आ रखा है, तो वो बंदा यार कैंप मारता है, तो उसकी कैंपिंग हम कैसे तोड़ते हैं तो इस वीडियो में तुम्हारे को देखने को मिलेगा। और शीर्षक के एंड तक देखना वीडियो, अगर तुम एंड तक देखते हो तो तुम्हारे को लास्ट में एक कोई खतरनाक सी फनी सी चीज़ देखने को मिलेगी। तो यार वीडियो को मेक श्योर यार लास्ट तक देखना। और बाकी यार इसके अंदर मतलब हमारा है, हम जैसे ही जोन में आ गए थे, आने के बाद में हमारे को यहाँ पर हमने देखा कि लूट है नहीं है, तो थोड़ा बहुत यार मतलब ठीक ठीक लूट मिली हमारे को, इतनी गोल्ड बार ये सब तो नहीं मिली। और बाकी यार यहाँ पर हम थोड़े डब्बे वब्बे लूट रहे हैं, और उसके बाद में हम ऊपर जाके लूटेंगे। डाल दिया। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास DBS है, और DBS में मैंने पॉलिश गोल्ड डाल रखी है। तो मैं यहाँ पर लेके आया था भाई करीब 3 हेल्थ किट लेके आया था, और बाकी बूस्ट और बाकी एक आध पेन किलर और DBS लेके आया था, जिसके अंदर बस सिर्फ 200 MO थी पॉलिश, जो 15,000 की तुम्हारे को मिल जाएगी शॉटगन की, ठीक है। और उसी के अंदर मैं यार सारे दोनों लाइब्रेरियन मार दूंगा, प्लस बहुत सारे ज़ॉम्बी मार दूंगा, फिर भी मेरे पास बहुत सारी लूट बच जाएगी, मतलब बहुत सारी मेरे पास गोलियां बच जाएगी। और फिर बाकी यार मैं यू टाइम पास के लिए वेस्ट कर देता हूँ गोलियां। तो देख सकते हो तुम यहाँ पर मतलब मैं 200 गोली लेके आया था, और मैंने करीब 40 समथिंग गोली के अंदर ये ज़ॉम्बी मार दिया है। उसके बाद मस्त लूटेंगे। तो हमारे प्राण भाई को मैंने बोल दिया कि तुम ऊपर बैठ जाओ, कि क्या है ना उनको खेलना नहीं आता अभी बराबर, तो वो मर भी सकते हैं। तो यही मान लो तुम यार सोलो भी स्क्वाड है ये गेम एक तरह से। तो और यहाँ पर वो बंदा अभी भी कैम मार रहा है, और कैम मारता है अब, तो प्राण भाई बोलते हैं हमारे कि भाई वो मार सकता है, तो उसकी भी यार हम कैंपिंग तोड़ेंगे, मतलब वो बैठा रह जाएगा और हम कहीं और से निकल जाएंगे। तो तुम्हारे को वो भी देखने को मिलेगा, एक मस्त सा ग्लिच है, तो वो बहुत सारे प्लेयर्स यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो में तुम्हारे को वो भी बताऊंगा, तुम पूरा देखो यार मज़ा आएगा तुम्हारे को। एक ही बंदा है, एक ही तो फायर आया। मिला क्या गोल्ड वोल्ड? तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरियन को देख के गांड फट गई एक नंबर की। फिर मैं ऊपर गया, ऊपर जाके भाई यहाँ पर इसको लाइब्रेरियन को पहले पेलेंगे, बहुत कुत्ता वाला, तो फटाफट पेल लेते हैं इसको। तो पहले के बाद में जब मैंने यहाँ पर लूट कर रहा, तो मेरे को यार इतनी गोल्ड बार ऐसा कुछ तो नहीं मिला, बस हाँ एक आधा प्रिंट ये सब मिला। और ज़्यादातर यार सीन क्या होता है ना इसमें, कि राइट या लेफ्ट तरफ में गोल्ड बार स्पॉन होती है, अगर लेफ्ट में नहीं होती तो राइट में गोल्ड बार ज़्यादा स्पॉन होती है, तो यही सीन रहता है। तो अभी हम जिधर से आए थे, हम लेफ्ट साइड से, तो वहाँ पर ज़्यादा गोल्ड बार नहीं थी। तो अभी मेरे पास में यार एक गोल्ड बार है और 3 प्रिंट है, और बाकी एक प्रिंट मैं प्राण भाई को दे दूंगा ऊपर। तो कुरी मिनिमम मान के चलो, तो हम दोनों को 2 मिलियन की लूट यहाँ पर मिल गई है अगर हम दोनों का मिलाते हैं तो। और बाकी यार देखते हैं हम कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में यार यहाँ पर हम बहुत देर तक टाइम पास करेंगे ऊपर बैठ के। अरे आ जा, रिस्क मत ले, इतना रिस्क मत ले। अरे थैंक यू।
मेरा वो जंप बटन का प्रॉब्लम है यार स्क्रीन का। कहाँ पर हम सोचते हैं यार कि निकलना चाहिए हमारे को, कि वो बंदा तो कैम मार रहा था तो टनल से जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि भाई यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर एक ग्लिच होता है जिससे यार तुम जोन के बाहर जाके और इजीली यार मतलब निकल सकते हो यहाँ से, मतलब रेडिएशन जोन से तुम बाहर निकल के जा सकते हो। तो यहाँ पर यार बहुत सारे जॉम्बी थे, तो मैं पहले एक बार चेक करने गया कि भाई कितने जॉम्बी हैं यहाँ पर और किधर कौन सी प्लेस है। तो प्लेस जाके देखी मैंने कि हाँ भाई प्लेस तो वही है, मिल गई मेरे को, पर जॉम्बी बहुत सारे पीछे पड़ गए थे। तो मैंने सोचा पहले इनको मारना है और उसके बाद में फिर देखते हैं यार कि क्या सीन करते हैं। और कैसा कि यार तुम्हारे को पता है कि हमारे प्राण भाई को मैंने बता दिया तुम्हारे को कि खेलना नहीं आता इतना, तो उनसे यार ये ग्लिच होगा नहीं होगा वो भी हमारे को डाउट था, पर उनने कर लिया फिर। और बाकी यार कोई सीन नहीं है अभी, तो यहाँ पर प्राण भाई की पेटी बचते बनते बनते बची, तो देखो तुम। नहीं हो पाएगा। ओ नॉक 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 नॉक। अच्छा मेडी, अगर हो सके तो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई ये भी हो गया तुम्हारा वीडियो के लिए देख। क्या यार कैसे मार रही है। नहीं मेरा प्रॉब्लम, मेरा पंगा है ना, मेरा वो बटन चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो जैसे कि तुमने सुना है यहाँ पर प्राण भाई बोल रहे हैं कि यार बटन वो जो हम ये वो वाला पता नहीं वो इतना टट्टी सा बटन यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो लेजेंड ग्रैब वाला जो बटन आता है वो वाला यूज़ करते हैं ये जब बन वो क्लाइम वाला। तो मैंने उनको मना किया फिर बाद में गेम के बाद कि इसी की वजह से यार ये मर भी जाएंगे, तुम्हारे को लास्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे को बता दूँ कि यहाँ पर मैं एडवांस मोड ज़्यादा रिस्पॉन्स तो बिल्कुल हो भी नहीं जाएंगे ये खेलता तो, हूँ। एडवांस मोड में सिर्फ इसलिए खेलता हूँ कि मेरे पास में बस करीब दिख 1 तो मिलियन ये ना एक समथिंग बार बाहर व्यूज हो गए हैं और मैं 10-12 गेम आराम से निकाल सकूँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किसके अंदर है रूट का कोई सीन है ही, जैसे कि तुम्हारे को पता है पिछले सीजन में रैंकिंग के अंदर था, लीग रैंकिंग में ऊपर भी टॉप है मेरी 4 तक जाके आया था मैं और इंडिया रीजन के अंदर। और बाकी इसके अंदर यार मतलब नहीं है, बता। इसके अंदर तुम्हारे बस यार किल्स के पॉइंट्स मिलते हैं या फिर तुम यार डब्बे खोलते हो तो उसके 2-3 पॉइंट्स मिलते हैं, तुम्हारे चार पाँच पॉइंट बस इतने नहीं मिलते है हैं, मेरे पास तो वो कोई सीन नहीं है यार। तो यहाँ पर यार इसलिए मैं ये वाला नहीं खेलता एडवांस ऊपर मोड, है ज़्यादा बेसिक पे डिपेंडेड होता, पर हाँ कुछ अगर चाहिए होता है तो एडवांस खेलना ही पड़ता है। जिसमें अभी मेरे को लेवल 6 का लूट ये सब नहीं मिली थी तो इसलिए हम एडवांस खेल रहे थे, और उसके बाद में हम मैं लेवल 6 का खरीद के और फिर उसके बाद बेसिक खेलता हूँ मैं ज़्यादा, तो वो बेटर है यार, उसमें किल्स भी मिल जाते हैं प्लस ओके तुम्हारा हाँ कुछ जाता भी नहीं है। एडवांस में बहुत रिस्क रहती है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे को आना है और यहाँ आने के बाद में सिर्फ तुम्हारे को जंप मारना है, जंप मारते मारते तुम ऊपर तक पहुँच जाओगे और ऊपर पहुँचने के बाद में अपना आप तुम्हारा प्लेयर लेजेंड ग्रैब करके आगे चला जाएगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मैं चढ़ गया और हमारे प्राण भाई भी चढ़ गए, तो अब यहाँ से हम जाते हैं हमारे सीधा रिटर्न पॉइंट तक। जॉयस्टिक छोड़ के कहाँ स्टेप्स स्टेप्स। अच्छा चढ़ गया। तो यहाँ तुम देख सकते हो तुम्हारे को ऐसे चढ़ के बाहर आ जाना है और उसके बाद में यार तुम रिटर्न जा सकते हो बहुत क्या करना इजीली। मैडी इधर। तो यहाँ पर सीन क्या होता है ना, हमारे प्राण भाई का यार ना लेजेंड ग्रैब होता है यहाँ पर और वो बार बार नीचे गिर जाते हैं और फिर टाइम हो जाता है और जोन आ जाता है, तो तुम देखो कैसे इनकी मौत होती है, मतलब नहीं एक होगा, झटके में मर मर जाएंगे गया ये यार, नहीं और हो इतनी पाता मेरा, लूट नहीं लेके आए वो सब बर्बाद हो जाएगी इनकी। और हो बाकी रहा, एडवांस मोड के अंदर तुम्हारे को पता ही नहीं हो है रहा भाई कि मेरा चीज़ें चली जाती दोबारा। है, तो वैसे इनकी नहीं वेस्ट गिर नहीं गया गई थी जिसमें यार वो अटैचमेंट लगा था 3 लाख का, पर इनका हेलमेट और बैकपैक चला गया और M4 भी चली गई। तो देख सकते हो तुम यहाँ पर मैं पहले रिटर्न मार लेता हूँ अपने कि भाई मैं तो भाई जिंदा रहना चाहिए ना कि अगर मेरे चले गए तो मैं रिटर्न मार के फिर इनको बताता हूँ कि भाई अब देखो तुम्हारे पे कोई दिक्कत नहीं मतलब वो है चलो नहीं नहीं होगा, करने का, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी तुम चढ़ भी जाते हो तो पहुँच नहीं अरे पाओगे। नहीं होगा, मैं उधर गिर गया, नहीं होगा। नॉर्मल से चल रहा हूँ।
तो यह हमारे प्राण भाई का यार बटन का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वो चढ़ नहीं पा रहे थे। और फिर बाद में यार मतलब चढ़ने की वो बहुत बहुत ट्राई कर रहे थे, तब भी नहीं हो पा रहा था। और जितने यार अगर चढ़ भी जाते तो जोन आ चुका था, और देख सकते हो तुम यहाँ पर इनको बहुत झटके में जोन मार के चल जाएगा। तो ऐसा ही होता है यार अगर तुम ढंग से, तुम्हारे को नहीं आता गेम खेलना तो देख सकते हो तुम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, जो मैं चैनल पर पहली बार आता है चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने को घंटी जो बनाना तो घंटा के लिए सुनने में मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।